आज हम बनाएंगे तोरी और लोबिया यानी कि बरबट्टी का मिक्स सब्जी, बहुत ही जबरदस्त टेस्टी। तो देखिए, हम तोरी को इस तरीके से पानी में डाल के अच्छे से धो लिए हैं, इस तरीके से। और उसके बाद पीलर से छील लिए हैं। देखिए, तोरी का हम आगे पीछे का पार्ट काट देंगे और काट के इसे इस तरीके से हम बारीक काटेंगे। बारीक काट काट के रखते जाएंगे और इसी तरीके से सारा तोरी हम काट के तैयार कर लेते हैं, फिर सब्जी बनाते हैं। देखिए, हम खेत से लोबिया लेके आए हैं, खेत का तोरी है, तो इस तरीके से हम रेशा निकालते हुए इसको तोड़ेंगे, इस तरीके से इसका रेशा निकालेंगे ये वाला, और उस छोटा छोटा पीस में हम तोड़ के तैयार करेंगे। तो ये देखिए कितना ताज़ा लोबिया है। तो अपने आवश्यकता अनुसार मैं आपको लोबिया तोड़ के और धो के और फिर दिखाती हूँ। और ये देखिए हमारे खेत में कितना अच्छा भिंडी भी फरा हुआ है। भिंडी का सब्जी हमारे चैनल पर अपलोड है, उसे भी आप देखें। और ये कुंदरू का भी भुजिया बहुत अच्छा बनता है हमारे गांव में, अगर आप कहिएगा तो इसका भी हम रेसिपी देंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कुंदरू का भी मैं आपको सब्जी बना के दिखाऊँ, तो ज़रूर मैं बनाऊँगी। देखिए, हम तोरी काट लिए हैं और बरबट्टी को भी इतना छोटा छोटा तोड़ लिए हैं। और यहाँ पे हम 100 ग्राम चना को रात भर भिगो के और इसका पानी छान के ले लिए हैं। लहसुन की कलियाँ लिए हैं 10-12, छोटा छोटा काट लिए हैं बारीक। एक प्याज को हम बारीक काट लिए हैं और 10-12 हरा मिर्च को काट लिए हैं। अब चलते हैं बनाने। चूल्हा जला लेते हैं। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल 4 चम्मच, आधा छोटा चम्मच जीरा हम डाल लेंगे तड़का में, और जीरा को अच्छा से भून लेंगे। जीरा हमारा हल्का सा भून गया है, अब यहीं पे हम लहसुन और मिर्च डाल देंगे। अब यहीं पे हम प्याज डाल लेंगे, प्याज को भी भून लेंगे हल्का। प्याज हमारा हल्का गुलाबी हो गया है, तो यहीं पे हम फुलाया हुआ चना डाल देंगे। ये देखिए, लहसुन का ये पौधा है, ये जैसे हम लोग लहसुन उखाड़ के रख लेते हैं, साल भर के लिए स्टोर करते हैं, तो ये जो होता है इसका यहाँ पे लहसुन का तोड़ के हम रख लिए हैं। और इसके डंडी में भी लहसुन छोटा छोटा होता है, देखिए इसको मैं तोड़ रही हूँ, ये देखिए। तो सारे डंडी में ये लहसुन है, तो हम लोग इसको तोड़ के रख लेते हैं और फिर उसे जलावन में काम ले लेते हैं। अब हम इसमें तोरी डाल लेते हैं और बरबट्टी भी। तो देखिए, हमारा चना जो है हल्का सा भून गया है। सब हम सब्जियां डाल रहे हैं। और थोड़े ही देर में ये गल जाएगा। एक बार धीरे धीरे से हम चला देंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी डाल के और इसे तेज आंच पे हम पका लेंगे कम से कम 10 मिनट।
और 10 मिनट के बाद इसमें हम नमक डालेंगे। अभी ये ज़्यादा क्वांटिटी में दिख रहा है आपको, तो नमक का पता नहीं चलेगा। जब ये गल जाएगा तो नमक आप आसानी से डाल सकते हैं। तो ढक्कन से ढक के हम इसे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। बीच में हम एक बार चला भी देंगे। देखिए सब्जी को हम बीच बीच में चला दिए थे, दो बार चलाए हैं और यहाँ पे हमारा सब्जी गल गया है। और इधर हम दाल फ्राई बना रहे हैं, तो दाल फ्राई का वीडियो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मैं दाल फ्राई भी गांव में कैसे बनता है शेयर करूँगी। और यहीं पे हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, अच्छा से मिक्स कर देंगे। अब इसे धीमी आंच पे हमें 5 मिनट के लिए पका लेना है। और देखिए हमारा सब्जी गल के कितना कम हो गया है, तो मैं बनने के बाद आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे सब्जी हमारा बन के तैयार हो गया है, बहुत ही लजीज बना है। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इस सब्जी को आप रोटी के साथ खाएं, तो देख सकते हैं हमारा सब्जी तैयार है दोस्तों। अगर आपको हमारा सब्जी बनाने का तरीका पसंद आया हो, घेवड़ा बरबट्टी और चना दाल चना का, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरीके से अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी सब्जी है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, जब तक के लिए खाते रहें और इसी तरह से जुड़े रहें अनीता जी के किचन के साथ।